हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ई ड्यूटरी में। दोस्तों आज हम BHIE 144 के क्रम में चरित साहित्य को पढ़ेंगे। यह हमारी BHIE 144 पे पांचवी वीडियो है। इससे पहले मैं चार वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके वह वीडियो देख के आप अपनी तैयारी और बेहतर ढंग से पूरी कर सकते हैं, ताकि BHIE 144 पे बनने वाले प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर ढंग से होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जिसमें पढ़ेंगे चरित साहित्य। जैसा कि चरित साहित्य नाम से स्पष्ट होता है कि चरित यानी कि चरित्रों का निर्माण या चरित्रों का बखान या चरित्रों को बताने वाला साहित्य। हम राजाओं के संरक्षण में दरबारी कवियों या लेखकों द्वारा रचित चरिताएं, जिसमें राजाओं की आत्मकथा या स्तुतियां होती थी, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। अक्सर ये ग्रंथ एक विशिष्ट मुद्दे के बारे में कहानी बताने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो सत्ता हासिल करने से संबंधित होती है। इस तरह की कहानी को एक कथा में बुना जाता है और चरित पाठ में विस्तारित किया जाता है। ये जो चरित साहित्य है, इसमें हमें राजाओं द्वारा सत्ता हासिल करने से संबंधित कुछ घटनाओं का एक विस्तृत वर्णन या कथा के रूप में लिखा हुआ देखने को मिलता है। इस क्रम में हम देखें तो पहला उदाहरण देख लेते हैं। बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित में राजा हर्ष के सिंहासन पर बैठने का वर्णन है, जिसके कारण सिंहासन हड़पने और ज्येष्ठाधिकार की पवित्रता को चुनौती दी गई है। बाणभट्ट द्वारा लिखा गया हर्षचरित, जिसमें राजा हर्ष द्वारा सिंहासन प्राप्त करने की घटना को बताया गया है, साथ ही इसमें ज्येष्ठाधिकार की पवित्रता को चुनौती दी गई है कि किस प्रकार हर्ष के पिता राजा प्रभाकर वर्धन के छोटे पुत्र थे, फिर भी उन्होंने सत्ता को प्राप्त किया। इसी प्रकार हम देखें तो ख में देखें तो विक्रमांक देवचरित, जो कि कलहन के चालुक्य के शासक विक्रमादित्य छठा जो है सो विल्हन द्वारा लिखा गया था, जिसमें वो स्पष्ट करते हैं कि सम्राट को स्वयं भगवान शिव ने अपने बड़े भाई से उसकी राजगद्दी छीनने और उसकी जगह लेने का निर्देश और मार्गदर्शन दिया था। वहीं हम देखें तो विल्हन द्वारा रचित विक्रमांक देवचरित में विल्हन लिखते हैं कि विक्रमादित्य छठे को स्वयं भगवान शिव ने अपने बड़े भाई से राजगद्दी लेने के लिए कहा था, और इसके लिए उन्होंने उसे निर्देश दिया और मार्गदर्शन किया। इसी प्रकार हम देखें गौ में एक और उदाहरण लेते हैं। संध्याकर नंदिनी द्वारा रचित रामचरित में राजा पाल द्वारा रामपाल के कैवर्तों के विद्रोह को कुचलने और अपनी शक्ति को सफलतापूर्वक पुनः स्थापित करने का विवरण। वहीं कुछ चरित्रों और अभिलेखों में राजा को विष्णु या शिव के अवतार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और स्वयं भगवान द्वारा निर्देशित किए जाने का उल्लेख है, जैसा कि हमने ऊपर अभी पढ़ा है। इसे सही मायनों में हम देखें तो यह इसलिए किया जाता था ताकि राजशाही को वैध बनाया जा सके, और राजशाही को वैध बनाने का यह एक तरीका हो सकता था। इसी प्रकार हम देखें तो कुछ इतिवृत्तों और शिलालेख के प्रशस्ति प्रारूप के विस्तृत संस्करण भी देखते हैं, लेकिन इसमें हमें क्या हुआ मिलता है, उसमें हमें राजाओं, राजवंशों और क्षेत्रों को अधिगम तरीके से बताने का प्रयास किया जाता है। अतः वंशावलियों के नाम से जाने जाने वाला ऐतिहासिक स्रोत के रूप में इसे हम संबंधित कह सकते हैं। इसका ध्यान केवल किसी राजा, राजवंश या क्षेत्र का इतिहास और ऐतिहासिक विवरण प्राप्त कराना होता है। इसी क्रम में हम देखें तो कलहन द्वारा रचित कश्मीर का इतिहास, जो कि एक इतिवृत्त के रूप में है, राजतरंगिणी इस संबंध में एक असमान और अद्वितीय है, क्योंकि उन्होंने विभिन्न स्रोतों से अतीत की ऐतिहासिक घटनाओं पर विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत किया है। जैसा कि इतिवृत्त और शिलालेख में हमें राजाओं, क्षेत्रों,
और उसके वंशावलियों की जानकारी मात्र प्राप्त होती है, ना कि उसकी विस्तृत जानकारी, उसके जीवन में घटने वाली घटना का विस्तृत ऐतिहासिक जानकारी नहीं प्राप्त होती। सिर्फ राजा और उसकी वंशावलियों को जानने का ये स्रोत है। पर जो राज तरंगिणी जो लिखा गया था कलहन के द्वारा, उसमें हमें अन्य इतिवृत्तों और शिलालेखों से अलग उसमें लेखन कौशल देखने को मिलता है। राज तरंगिणी से हमें कश्मीर के इतिहास की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि उन्होंने कई विभिन्न स्रोतों से अतीत की ऐतिहासिक घटनाओं पर साक्ष्य प्रस्तुत किया, विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत किया। इस प्रकार कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उनका इतिहास ऐतिहासिक लेखन का एक असाधारण नमूना है, क्योंकि इसमें वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं और उनके विवरणों के संदर्भ शामिल हैं, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से व्यवहारिक समझा जा सकता है। बिना किसी संदेह के यह एक असाधारण साहित्यिक रचना है। यद्यपि कलहन के इतिहास की असाधारण समझ के कारण यह कृति संस्कृत ग्रंथ लेखन की वंशावली शैली में निहित है। यह वास्तविक अर्थ में भारतीय उपमहाद्वीप में लिखा गया पहला इतिहास भी इसे हम कह सकते हैं। याद रखने योग्य एक और दिलचस्प बात यह है कि 12वीं और 13वीं शताब्दी के गुजरात के कुछ व्यापारियों पर भी चरित्र लिखे गए थे। दक्षिण भारत में एक जीवन संबंधी ग्रंथ मिला था। हालांकि और भी बहुत से चरित्र लिखे गए होंगे, लेकिन वे लुप्त हो गए। 11वीं शताब्दी में अतुल नामक कवि द्वारा लिखित मुशिका वंश उत्तरी केरल में शासन करने वाले मुशिक या मुशिका वंश की उपलब्धियों के बारे में हमें जानकारी देते हैं। ऐसे ही कुछ यहाँ पे चरित्रों की हम चर्चा करेंगे, जिसमें पहला हम हर्षचरित है, इसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। हर्षचरित जो हर्ष के जीवन से संबंधित है, सबसे महान पुण्यभूति राजा हर्षवर्धन की जीवनी है। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी है, जो कि एक जीवंत गद्य कथा के रूप में लिखा गया है। इसके रचयिता बाणभट्ट हैं। इसे एक शासक की पहली औपचारिक जीवनी माना जा सकता है। यह संस्कृत गद्य में जीवनी लेखन का एक अद्भुत रूप है। इसने लेखन की एक शैली शुरू की, जिसे चरित साहित्य के रूप में हम जानते हैं। साथ ही इसे हम प्रशस्ति भी कह सकते हैं। बाद के काल में शाही दरबारों में चरित, यानी कि ऐतिहासिक जो जीवनियां होती थी, वे आम और प्रचलित बन गए। यह जो राजाओं के जो जीवन चरित्र लिखने की जो शैली है, धीरे धीरे दरबारों में यह प्रचलन आम होता चला गया। प्रशस्ति शैली से जुड़े हुए भी चरित साहित्य कुछ प्रमुख घटनाओं के इर्द गिर्द घूमता है। एक शासक के शासनकाल की घटनाओं में जो महत्वपूर्ण माना जाता था, उसके बारे में समकालीन धारणाएं चरित ग्रंथों द्वारा प्रदान की जाती थी। इस प्रकार उन्होंने ऐतिहासिक लेखन के आधुनिक मानकों से आंके जाने के बजाय उस समय के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से देखा और समझा। संक्षेप में, जैसा कि पहले कहा गया है, इस मामले में चरित्र लिखने का एक तत्कालीन कारण निश्चित रूप से छोटे भाई, जो बड़े भाई का प्रतिद्वंदी था, द्वारा सिंहासन पर कब्जा करने को वैध ठहराने एक ऐसा कार्य जिसने उत्तराधिकार के कानून को उलट दिया। यानी कि प्रशस्ति या फिर चरित्र लेखन जो था, वह राजा के शाही वंशी या फिर शासन करने की जो उसकी प्रशासनिक क्षमता थी, कौशल था, उसको वैध बनाता था। वैध किस रूप में? अपने प्रतिद्वंदी के सामने खुद को वैध बनाने के लिए इस प्रकार के प्रशस्ति या फिर चरित्र लेखन का प्रचलन था। इसी में एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि बड़े भाई का प्रतिद्वंदी छोटा भाई होता था, जो सिंहासन पर कब्जा करने को वैध ठहराने के लिए तथा इस प्रकार के कानून को पलटने के लिए प्रशस्ति या फिर चरित्रों का लेखन का प्रचलन करवाया गया था। कश्मीर से विभिन्न स्थानों की यात्रा करते हुए प्रतिभाशाली और निपुण लेखक बिलहन ने संरक्षण, रोजगार, धन और प्रोत्साहन की तलाश की।
उन्होंने बाद के चालुक्य के दरबार में एक पद की पेशकश की गई, जहां उन्होंने विक्रमांक देवचरित की रचना की। यह भी एक राजा का अपने बड़े भाई के सिंहासन पर कब्जा करने का एक स्पष्टीकरण है। जो विक्रमांक देवचरित है उसमें एक राजा द्वारा अपने बड़े भाई के सिंहासन पर कब्जा कर लेने का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ऐतिहासिक वैधता प्राप्त करने का विचार दूर दूर तक फैला हुआ था। इसका अनुमान छोटे राजवंशों पर लिखे वृत्तांतों से लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए मालाबार, जो वर्तमान उत्तरी केरल में पड़ता है, के एक अल्पज्ञात राजवंश पर अतुल का 11वीं शताब्दी का मुशाक वंश काव्य, जिसका हमने पहले उल्लेख किया, इस तरह की वंशावलियों की शैली है। विषय और संरचना दिलचस्प रूप से समान थी, चाहे वे हिमालय के चंबा राज्य में लिखी गई हों या मालाबार केरल में। हमें जो याद रखना चाहिए वह यह है कि हमारे लिए राजसी वंशावादी या क्षेत्रीय इतिहास के रूप में ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि इन ग्रंथों में मिथक भी कभी कभी लगभग एक जैसे ही होते हैं। इतिवृत्त एक वंश या राजा की कतिपत शुरुआत का पता लगाता है। इतिवृत्त जो है किसी राजा की वंशावली की जानकारी प्राप्त कराता है। फिर यह संस्थापक पूर्वजों का उल्लेख करने की दिशा में आगे बढ़ता है और फिर अधिक प्रमाणिक वंशावली इतिहास की ओर बढ़ता जाता है। कहानी में महत्वपूर्ण निर्णायक बिंदु एक राजा की स्थापना को दर्शाते हैं, जिसमें अस्पष्ट परिवर्तन होते हैं, जैसे और अधिक क्षेत्र खेती के तहत लाए गए क्षेत्र। एक राजधानी की स्थापना के साथ शाही मंदिर का निर्माण, जो शाही शक्ति का प्रतीक था, उसमें राजा के इष्ट की मूर्ति की स्थापना, राज्य की राजधानी के को विभिन्न मार्गों से अन्य स्थानों से जोड़ना, एक प्रशासनिक और नौकरशाही तंत्र, स्थायी सेना की स्थापना एवं उपस्थित और शिलालेखों को आधिकारिक संस्करणों और शाही निर्णयों और गतिविधियों की घोषणा के रूप में जारी करना। इसके बाद महत्वपूर्ण घटनाओं को इतिवृत्त में प्रलेखित किया जाता था। जब चरित्रों की बात हम करते हैं तो एक और महत्वपूर्ण चरित्र है बुध चरित्र। अश्वघोष ने बुध के जीवन पर बुध चरित्र नामक एक विस्तृत कविता लिखी थी। यह ग्रंथ प्रसिद्ध हुआ और कहा जाता है कि ऐतिहासिक जीवनियों के उदय में इसका बहुत महत्व है। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, जिसके बारे में हम अगली इकाई में विस्तार से पढ़ेंगे, प्रशस्ति बनने का एक प्रारंभिक उदाहरण है। एक शैली जो न केवल संस्कृत के उपयोग में बल्कि एक पारंपरिक क्षत्रिय सम्राट का वर्णन करने के मापदंडों के अनुपालन में शाही जीवनियों को परिभाषित करती थी। दरबारी संस्कृति के हिस्से के रूप में चरित्र बाद की शाही जीवनियों के लिए एक तरह से अस्तुतिपूर्ण पुरालेख भी निर्णायक और महत्वपूर्ण थे। एक आदर्श राजा के खाके के रूप में प्रशस्ति उन क्षेत्रों में राजशाही की अच्छी तरह से स्थापना को दर्शाती है जहां राजशाही इतनी परिचित नहीं थी। एक पाठ्य प्रारूप के रूप में यह विकसित हो रही थी। प्रशस्ति अभिलेख में संरक्षक राजाओं की प्रशंसा करना स्पष्ट था। इस साहित्यिक योजना को बुध चरित्र में और भी अधिक देखा जा सकता है। शाही शक्ति को मान्य और प्रमाणित करने के साधन के रूप में प्रशस्ति मुखियाओं और राज्यपालों को भी आदर्श क्षत्रिय शासकों के रूप में चित्रित कर सकती है, चाहे उनकी उत्पत्ति कुछ भी हो। राजाओं, राज्यपालों और प्रमुखों की देवताओं से तुलना शुरू हो गई थी, लेकिन अत्यधिक रूप से नहीं। विडम्बना यह है कि देवपुत्र की कुषाण उपाधि के अलावा जब शासक की शक्ति इतनी अधिक नहीं थी, तब भी देवत्व के साथ उनका जुड़ाव अधिक मुखर हो गया। मध्य एशियाई मूल के राजवंशों ने वैष्णव, बौद्ध या जैन जैसी स्थानीय पहचानों और विचारधाराओं को अपनाया और यह दिलचस्प है कि किसने क्या चुना। अगली इकाई में हम इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें वासुदेव पंथ या भागवत वाद में सबसे पहले दर्ज किए गए यूनानी धर्मांतरित लोगों का उल्लेख है। अश्वघोष संस्कृत के प्रयोग में निपुण थे। अश्वघोष संस्कृत के प्रयोग में निपुण थे। यह न केवल
परिधीय क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों की भाषा के रूप में विकसित हुई, बल्कि अब यह बौद्ध धर्म पर विचार करने के लिए एक पसंदीदा भाषा बन गई। हालांकि स्थानीय भाषाओं या स्थानीय प्राकृतों को पूरी तरह से नहीं छोड़ा गया था, लेकिन लोकप्रिय संस्कृति से उच्च संस्कृति यानी अभिजात वर्ग और औपचारिक रूप से शिक्षितों की संस्कृति को रेखांकित करने और उसे लोकप्रिय संस्कृति से अलग करने की प्रवृत्ति अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इसी क्रम में हम रामचरित को ही पढ़ेंगे। इस खंड में हम संध्याकर नंदिनी के इस चरित पाठ पर कुछ प्रकाश डालने जा रहे हैं, जो बाद के पाल शासक रामपाल की जीवनी है। रामचरित जो है संध्याकर नंदिनी द्वारा लिखा गया था, जो कि पाल शासक रामपाल की जीवनी है। जीवनी ग्रंथ में बताया गया है कि कैसे उन्होंने अपने सामंतों और अधीनस्थ शासक शक्तियों के साथ चतुराई और कूटनीतिक तरीके से कैवर्त विद्रोह, जिसका उद्देश्य पाल विस्तार को रोकना था, कि खतरे का सामना करते हुए उसे दबा दिया। परंपरागत रूप से कैवर्त किसानों और मछुआरों की एक निम्न जाति थी, परंतु इस राजनीतिक घटना के बारे में फिर से बताना उन छोटे मोटे जमींदारों के विद्रोह को रेखांकित करता प्रतीत होता है, जिन्होंने शायद कैवर्त किसानों को संगठित किया हो। यह रामपाल द्वारा सामंतों और गठबंधन को सुनिश्चित करने के लिए भव्य उपहार देने की प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से वर्णन करता है। इस ऐतिहासिक घटना पर प्रकाश डालने से राजा और उसके अधीनस्थों के बीच संबंधों और उसकी सूक्ष्मताओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने कुछ चरित्रों का पाठ किया है, जिसमें बुद्ध चरित, रामचरित, इसके अलावा हर्षचरित को हमने पढ़ा और समझा। इस प्रकार इग्नू के किसी भी एग्जाम में BAG के इस संबंधित विषय पर, BHI 144 से संबंधित इस टॉपिक चरित साहित्य से संबंधित, अगर एग्जाम में प्रश्न बन के आपके सामने आते हैं तो आप आसानी से सरल शब्दों में उत्तर दे पाएंगे। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।